कैडिला हेल्थ केयर। गाइस कल मैंने फार्मा सेक्टर के कुछ शेयर्स के बारे में बात करी थी, जिन पे मैंने उनका टारगेट, स्टॉप लॉस, आउटलुक सारे बारे में डिस्कस करा था, जैसे कि सन फार्मा के बारे में करा था, सिप्ला के बारे में, टोरेंट फार्मा, डीवीज लैब एंड डॉक्टर रेड्डी, इन सब के बारे में कल बात करी थी। गाइस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस तो कुछ लोगों के कमेंट आए कि कैडिला हेल्थ केयर के बारे में बताइए, तो कैडिला हेल्थ केयर में आज हम लोग बात करेंगे कैडिला हेल्थ केयर शेयर के बारे में। गाइस तो वीडियो को अंत तक देखना, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलती है। गाइस न्यू चैनल है तो प्लीज डू सब्सक्राइब ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग स्टॉक मार्केट एनालिसिस। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कैडिला हेल्थ केयर शेयर के बारे में। आप सभी देख रहे होंगे कि काफी तेजी से उछाल आया है फार्मा सेक्टर में पूरे, और अभी दो दिन से कल से डाउन होना शुरू हुआ है, तो उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले मैं फार्मा सेक्टर पे टोटल ओवरऑल व्यू दे दूं कि ये प्रॉफिट बुकिंग है केवल और केवल, कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं है। जिन लोगों के पास पहले से शेयर थे उन्होंने टॉप पे प्रॉफिट बुक करा है, थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी के फार्मा शेयर्स के बारे में मैंने कल बात करी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देख लेना। और आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल वीडियो कैडिला हेल्थ केयर शेयर के लिए, जो कि काफी लोग पूछ रहे थे उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले गाइस बात करते हैं कैडिला हेल्थ केयर का करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो करंट मार्केट प्राइस है गाइस 558, 558 पे ट्रेड कर रहा है, 2% नीचे है, 11 रुपए, वॉल्यूम 52 लाख है, 52,70,000 वॉल्यूम जुड़ चुके हैं गाइस। पीई 35 का चल रहा है, कंपनी का पीई 41 का है, तो देख सकते हैं अभी भी कोई ज्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं है गाइस। 41 का पीई कंपनी का है, इंडस्ट्री का पीई 41 का है, कंपनी का पीई 35 का है कैडिला का, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। डेरिवेटिव्स 13% लोग कैरी करके ले गए हैं शेयर को। कैरी मीन्स होता है जैसे कि आपने बाय करा और सेल नहीं कराया, आप कैरी करके लेके गए हैं। तो गाइस कैडिला हेल्थ केयर के लिए एक बिग न्यूज ये है कि कल उसमें ब्लॉक डील हुई है, 1 करोड़ रुपए की 17,000 क्वांटिटी की ब्लॉक डील है 588 रुपीज पे। तो देख सकते हैं ब्लॉक डील से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, 30 रुपए नीचे, यहाँ तक 5-6% हो गया गाइस। एक साल में शेयर ने 67% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 70% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 37% का रिटर्न दिया है। तो गाइस आगे बात करते हैं इसकी। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकरेज हाउसेस का क्या मानना है गाइस इस पे। ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का मानना है कि ये 655 तक जा सकता है, काफी अच्छा टारगेट है, 20% का अपसाइड है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है, ये फेब में आई थी, 550 का उनका टारगेट था जो कि अचीव हो गया, फेब में आईसीआई डायरेक्ट ने 550 का टारगेट दिया था, वो भी अचीव हो गया गाइस। तो अभी लेटेस्ट केवल एमके ग्लोबल का है जिनका मानना है 650 तक जा सकता है, जो कि काफी तेज भाग आए गाइस, तो सारे टारगेट अचीव हो गए हैं ऑलरेडी लोगों के। मेरा इस पे अपना पर्सनल क्या व्यू है मैं वो बता देता हूँ गाइस। गाइस ये कंटिन्यूअसली अप एंड अप हो रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है गाइस। मेरा मानना है कि ये 556 पे चल रहा है, 540 पे थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करें, हैवी क्वांटिटी में ना लें, और मेरा इस पे 600 तक जा सकता है। रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, बिकॉज जो कोरोना की टेबलेट है, मेडिसिन है, वो बना रही है ये कंपनी गाइस, उसके कारण इसमें काफी तेज बाउंस आया, अभी 10-10% भी भागा था 2-3 दिन कंटिन्यू, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पे कुछ लोगों ने खरीदा होगा और अब नीचे आ गया लेवल से, जो कि 600 का हाई मारा है, 550 पे आ गया, तो कुछ लोग फंस गए होंगे। तो मैं गाइस बता दूं, जिन्होंने 600 पे खरीदा है वो गाइस होल्ड करें, उनके लेवल के आसपास आएगा तो प्लीज बुक कर लेना, ये मत सोचना कि अभी प्रॉफिट लेना चाहे वो इस शेयर से गाइस, जो कि मेरे हिसाब से फार्मा सेक्टर एक कोरोना के बेस पे बहुत ऊपर गया है, और कुछ जो फार्मा सेक्टर में जो शेयर है कुछ वो कोरोना की दवाई की वजह से ही ऊपर गए हैं, तो जैसे जैसे कोरोना का अंत होगा उसकी दवाई का अंत होगा, तो गाइस ये सेक्टर वापस अपनी वैल्यूएशन पे आएंगे जो कि हाई हो चुके हैं इस टाइम। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे तो आप बाय कर सकते हैं 540 पे, 600-650 के आसपास बुक करें और किसी दूसरे शेयर में लगाएं जिसके वैल्यूएशन अच्छे हों, मुझे महंगा लग रहा है थोड़ा सा गाइस। बाकी ब्रोकरेज हाउस का मैंने आपको टारगेट बता दिया गाइस, ब्लॉक डील के बारे में बता दिया, अनाउंस शेयर्स के रिजल्ट कब अनाउंस होंगे वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बाकी मई में सबके रिजल्ट अनाउंस हो ही जाएंगे गाइस। सबसे अच्छी बात इस शेयर के लिए गाइस, प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% की है, 74.88% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के हाथ में है, तो डरने वाली तो बात है नहीं पहली बात। दूसरी बात, FII के हाथ में भी ज्यादा नहीं है, 4.38% है बस उनके पास भी। DII के पास 14% की है, तो अपने भारत की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और लोगों के पास तो ज्यादा है नहीं गाइस, तो प्रमोटर के पास जब हिस्सेदारी होती है तो ये इंडिकेट करता है कि शेयर में उन लोगों को लगता है कि और ऊपर जाएगा तभी वो अपनी हिस्सेदारी रखते हैं गाइस। तो बहुत अच्छी हिस्सेदारी है, यहाँ तक कि 75% हाईएस्ट होता है प्रमोटर्स के पास जो कि वो लोग होल्ड कर सकते हैं। तो हाईएस्ट हिस्सेदारी, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है, तो शेयर में कोई डरने वाली बात नहीं है। जिन लोगों के पास पोजीशन है और फंसे हुए हैं वो होल्ड करें, डरने वाली बात नहीं है। और जिन लोगों के पास जो नई पोजीशन लेना चाहते हैं वो 540 से एक्युमुलेट करें थोड़ी थोड़ी करके, अगर नीचे आए तो और बाय करें। और एक ही दिन में गाइस 10-5% अपसाइड होगा और सब लोग अपने लेवल पे आ जाएंगे, तो डरने वाली बात नहीं है। अपने पास रखें, पेशेंस रखें, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच गाइस।